गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल बबेरू टैलेंट। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा एक स्टूडेंट की दिनचर्या कैसे होती है और कैसे उनकी लाइफ होती है। फ्रेंड्स, कैसे वो कमरे में रहते हैं, खाना बनाते हैं, कैसा मतलब उनका लाइफ स्टाइल होता है। दोस्तों, तो मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, जो कि मैं पढ़ाई भी करता हूं और यूट्यूब में वीडियो भी बनाता हूं। फ्रेंड्स, तो आज दोस्तों मैं शुरू से अंत तक मैं इस ब्लॉग में वीडियो दिखाऊंगा। तो गाइज, अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और धूप भी निकल आई है। गाइज, आज काफ़ी लेट उठे हैं। तो गाइज, मैं आपको दिखाऊंगा इस ब्लॉग में, तो चलिए कैसे हम अपना दिनचर्या को स्टार्ट करते हैं, इसी बात पर हम चलते हैं। गाइज, हमारे बबूल का पेड़ लगा हुआ है, सॉरी बगल पे है, जो छत के बराबर पे है। तो हम लोगों को जैसे दातून करना होता है नेचुरल, तो उसको हम आसानी से तोड़ लेते हैं। तो गाइस, जब सवेरा है तो वैसे भी दांत साफ करने होंगे। उसको ये जो होता है ना, बहुत ही स्वास्थ्य वर्धक होता है, जो बबूल का दातून होता है, इससे हमारे दांतों में चमक रहती है, बहुत स्ट्रांग होते हैं दांत। जो हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं दोस्तों, केमिकल का बना होता है, अभी कभी इसको भी कर लेते हैं। चलिए यार, गाइस, अब हमने फाइनली दातून वगैरह कर लिए हैं। देख सकते हैं मेरे दांत कैसे हैं, बिल्कुल साफ दिख रहे हैं ना। गाइस, हम एक स्टूडेंट ही हैं और बहुत ही नॉर्मल तरीके से रहते हैं, बहुत हमारा फैशन वैशन नहीं रहता और घर भी उतना अच्छा नहीं बना हुआ है। एक छोटा सा नल लगा हुआ है और अपना आप देख रहे हैं, जब हम सो रहे थे हमारा बेड है। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी दिनचर्या की स्टार्टिंग करते, थोड़ा झाड़ू पोछा भी कर दे कमरे पे, क्योंकि गंदा हो जाता है। इसके बाद खाना वाना बनाना होगा। स्टूडेंटों के लिए बहुत सारे काम भी होते हैं, क्योंकि मम्मी पापा हमारे गांव पे रहते हैं और हम यहाँ शहर पे रहते हैं, तो इसलिए हमको जो है थोड़ा बहुत वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। तो मैं बचपन से ही बाहर रहा हूँ और संघर्ष कर रहा हूँ। मैं सब कुछ दिखाया आपको, एक पेड़ा वगैरह हमारी मम्मी जी ने भेजा है जो आप हम खा रहे हैं। बस इसी का भी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, नाश्ता, उसके बाद थोड़ा सा पढ़ते हैं, तो खाना बनाएंगे। कैमरा जी दिखाइए जूम करके थोड़ा, कैसे रहे दोस्तों। एक घर पे भैंस है, दूध देती है, सिर्फ देसी पेड़े हैं, कोई होटल के नहीं है। तब अभी इनको नाश्ता कर लेते हैं और वीडियो को यही करते हैं। गाइस, जैसा कि आप सब देख रहे थे, अब हम जो है झाड़ू हो गया, आप दोस्तों बर्तन मांझ लेते, क्योंकि स्टूडेंटों के लिए बहुत बड़ी झंझट होती है। लेकिन अब क्या करें, बचपन से ही धुल रहे हैं, बना खा रहे हैं, तो कोई झंझट नहीं फील होती। अब बर्तन We'll be right back.
रहे थे आप, मैं सब कुछ दिखाया आपको एक स्टूडेंट। सो आई होप गाइज, मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं गाइज, जो बहुत बड़े घर के बच्चे होते हैं वो हॉस्टल पे रहते हैं, वो कभी जीवन में खाना नहीं बना पाते। कहीं भी रहते हैं तो बस खाने की उन्हें बड़ी दिक्कत रहती है, लेकिन गाइज हम लोग जो है ना बहुत ही मतलब मेच्योर हो गए हैं, तो कभी खाना वाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। और हम ऐसी लाइफ रहती है स्टूडेंटों की, जब कोई अधिकारी वगैरह बन जाएंगे तब हम भी मतलब अच्छा सब बनवाएंगे, देखेंगे। तो अभी हमारी ये जो है लग्जरियस लाइफ नहीं होती है, स्ट्रगल वाली लाइफ होती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कर दें और भी स्टूडेंटों के लिए शेयर कर दें, देख लें कैसे स्टूडेंट लाइफ होती है। तो गाइज हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ आपका दोस्त सूरज, सभी को विनम्र भाव के साथ सादर नमस्कार, धन्यवाद मित्रों। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.